कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग ठीक होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ, पर मैं थोड़ा थक भी गई हूँ। तो सभी छोटे भाई बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार और बड़ों को मेरा पहला प्रणाम। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 4 बजे, क्योंकि आज हमने दुकान की छुट्टी करी थी और दिवाली आने वाली है, तो मतलब घर में सफाई भी करनी थी। एक तो हमने पुताई कर ली है, उसमें मतलब मिट्टी से लिपाई कर ली है, तो दूसरा हमने अभी ये लगाया था पेंट वगैरह, खुद अपने हाथों से लगाया, और फेसबुक देख सकते हैं आप कैसी हो रही है। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ इस टाइप का वॉल डिजाइनिंग, अब आपको दिखाती हूँ दीदी कैसे बना रही हूँ मैं। आज हमने करी है घर पे पेंट खुद से, और सुबह से इतनी हालत खराब हो रखी है, तो सुबह से हमने क्या करा शूट नहीं किया, बट अभी शूट कर रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा सा चैन की सांस ले ली, क्योंकि 2 कमरे साफ करने थे पूरे, 1 कमरा तो पूरा हो चुका है, अब 2nd कमरे में चल रहे हैं हम लोग साफ करने के लिए। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4:30, और हमने आधा काम कर लिया है, बस थोड़ा बहुत और बचा है हमारा। तो आज हम अपनी वॉल पे पेंट करने के बाद एक नया डिजाइन बनवा रहे हैं अभी, तो डिजाइन बना रही है हमारी निम्मी यहाँ पर, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस इस तरीके से हम इसको लगा रहे हैं। तो गाइस ये है स्टिकर जिससे मतलब जिसमें डिजाइन बना हुआ है, और इसको दीवार में इस तरीके से लगा रही हूँ, और ये लग रही हूँ मैं ब्रश पे पेंट, देख सकते हैं, और इस तरीके से इसको लगा रही हूँ, देखते हैं कैसा आता है डिजाइन। वैसे मैंने थोड़ा बना लिया है, सुबह से टाइम नहीं हो पाया तो व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी, अभी थोड़ा सा काम हल्का हो चुका है तो इसलिए मैं व्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ अभी। तो गाइस देख सकते हैं हम खुद ही पेंटर बन गए यहाँ पे, पैसे भी बच गए और काम भी हो गया। फाइनली गाइस पेंट हो चुका है और डिजाइन भी हमने बना दिए हैं, देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हो रही है, और हम पी रहे हैं चाय, मम्मी बना के लाई है, हेलो बोल दे रहे। तो गाइस देख सकते हैं आप दीदी बनी है पेंटर, मैंने तो कर लिया अपना काम। तो गाइस ये है इस तरीके से हमारे पहाड़ में घर होते हैं, तो ये मिट्टी से लिपा हुआ है हमने, और ये पत्थरों वाला मकान है, पर काफी अच्छे होते हैं ये मकान, और यहाँ पे भी हमने डिजाइन बना दी है, देख सकते हैं आप। तो गाइस ये है हमारा बाहर वाला रूम, और ये मैंने और दीदी ने मिलके किया है, डिजाइन भी फाइनल हो चुका है, देख सकते हैं आप। और ये है हमारा दूसरा रूम, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हमारा बचा है किचन और एक और कमरा। तो गाइस अभी बज चुके हैं 6:30, और अब मैं नहा लेती हूँ, और अभी 2 कमरे हमारे फाइनल हो गए हैं, बाकी अभी एक और कमरा बचा हुआ है, उस पर भी करना है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है सच में, बहुत थक चुके हैं सुबह से, सुबह 7 बजे से लगे हम, व्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं हुआ। तो गाइज मैंने नहा लिया है और अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा पूजा। तो गाइज अब मैं मिल रही हूँ आपको दूसरे दिन मॉर्निंग में, क्योंकि रात को हमने खाना वाना खाया था, फिर उसके बाद काफी लेट भी हो गया था और सुबह से बहुत थक भी चुके थे, तो इसलिए फिर व्लॉग शूट नहीं कर पाई, मैं फिर सो गई थी। अभी ये वाला कमरा भी बचा है हमारा सफाई करने के लिए। और तो गाइज डिजाइन कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना, इसको अपने घर में वॉल में डिजाइन बनाना है वो खुद बना सकता है, क्योंकि ये मार्केट में इसका जो स्टिकर होता है वो 120 से 150 के समथिंग आ जाता है, और इजीली मिल भी जाता है, और आप व्हाइट पेंट ले ले या फिर कोई भी कलर आपको जो करना है वो कर सकते हैं, होगा जो आप पेंटर को पैसे देंगे, क्योंकि पेंटर लोग तो ज्यादा ही बोलते हैं इसका 7,000 या 5,000 ऐसी समथिंग लेते हैं एक वॉल का, तो मैंने ये खुद से ही कर लिया है, पैसे भी बच गए और काम भी हो गया। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप कि व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, जो नए हैं वो
सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग जो भी हो आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहे आप मेरे चैनल निमी ब्लॉग्स पे।